बैड पोस्चर यानी कि खराब पोस्चर की वजह से बहुत सारी तकलीफ हमें होती है, जैसे कि नेक पेन हो गया, पीठ दर्द है, ऑक्सीपिटल हेडेक जो यहाँ पे हमें दर्द होता है। मगर हम थोड़ा सा अपने पोस्चर पे ध्यान दें और कुछ एक्सरसाइजेस रेगुलरली करते रहें तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है चिन टक एक्सरसाइज, जिसमें हमें चिन को पीछे की तरफ इस तरह से टक करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस को मैं अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन थोड़ा सा हम समझ जाते हैं कि ये बैड पोस्चर होता क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक अच्छा पोस्चर क्या होता है। देखिए, अच्छा पोस्चर उसे कहते हैं जैसे मैं इस अलर्ट पोजीशन को मैं एक अच्छा पोस्चर कहूँगा। देखिए, मेरा जो कंधा है वो सामने की तरफ इस तरह से ना झुक करके पीछे की तरफ इस तरफ है। मेरा गर्दन जो है सामने की तरफ इस तरफ ना हो करके ये इस तरह से है, यानी कि मेरा जो कान है वो ठीक शोल्डर के ऊपर रहेगा। इस पोस्चर को हम लोग गुड पोस्चर बोलते हैं। अगर हम ये पोस्चर कर ले, देखिए शोल्डर आगे की तरफ स्टूप हो गया, गर्दन आगे की तरफ इस तरह से बढ़ गया है, तो इस पोस्चर को हम पुअर पोस्चर कहते हैं। तो इसी की वजह से बहुत सारा तकलीफ हमें जो पीठ में दर्द होता है, ऑक्सीपिटल हेडेक जो होता है वो इसी वजह से होता है। तो हमारा जो भी एक्सरसाइजेस का मकसद होगा वो इस पोस्चर को रीगेन करना होगा। देखिए, ये होता क्या है कि जब हम रेगुलरली कंप्यूटर में काम करते हैं या फिर मोबाइल को इस तरह से झुक करके देखते हैं, यूजुअली जिनका डेस्क जॉब रहता है, लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना होता है, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आते जाता है। तो होता क्या है कि इसमें हमारे पीछे की जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाता है और सामने की जो मांसपेशियाँ हैं वो स्टिफ हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग, अगर मैं साइंटिफिक टर्म में बोलूँ तो ये अपर क्रॉस सिंड्रोम हम इसे बोलते हैं, जिसमें ये सामने की तरफ स्टिफनेस हो जाने की वजह से वो हमारे कंधा को सामने की तरफ इस तरह से खींच लेता है, हमारे नेक को सामने की तरफ इस तरह से पुल कर देता है, और पीछे की मांसपेशियाँ वीक होने की वजह से वो उस ये जो पोस्चर है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाता है। तो इस वजह से ये बैड पोस्चर होता है। तो हमारा जो भी एक्सरसाइज है उसका जो एम है वो हम पीछे की जो मांसपेशियाँ हैं उसको मजबूत करना और सामने की तरफ की जो मांसपेशियाँ हैं, चेस्ट के मांसपेशियाँ या नेक के सामने की तरफ, ये सब मांसपेशियों को स्ट्रेच करके रिलीज करना। तो चिन टक एक्सरसाइज में क्या है कि हमारे नेक की जो पीछे वाली मांसपेशियाँ हैं उसमें वो स्ट्रेंथनिंग लाएगा। तो हमें करना क्या है कि जस्ट चिन को नेक में इस तरह से टक करना है। देखिए, आप एक फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको थोड़ा सा गाइडेंस देने के लिए, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से मिनिमम आप 10 बार करेंगे। मैं इसको इस तरह से नहीं कर रहा हूँ, मैं चिन को टक कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये तो था सब पहला एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज में हमें दीवार का सहारा लेना है। तो देखिए, मैं दीवार के से सट करके, मैं अपने पीठ को सटा करके मैं इस तरह से खड़ा हो गया हूँ। ये एक तरीका भी है जिससे आप नाप सकते हैं, आप मेज़र कर सकते हैं कि आपका पोस्चर कितना ख़राब है। नॉर्मली अगर आपका अच्छा पोस्चर है, अगर हम दीवार से सट के इस तरह से खड़े होंगे तो हमारे हेड और दीवार के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, ये देखिए। और अगर हमारा पुअर पोस्चर है, बैड पोस्चर है, तो हमारा ये देखिए हेड के जो पीछे वाला जो पार्ट है और दीवार के बीच में काफ़ी गैप आ जाएगा, ये देखिए। तो इस एक्सरसाइज में हमें करना ये है कि हमें इस तरह से अपने शोल्डर को पीछे की तरफ दीवार में इस तरह से सटाना है और अपने सर को पीछे इस तरफ से पूरी तरह से दीवार में इस तरह से सटा देना है। ठीक है, इसे आप रेगुलरली इस तरह से करेंगे, कम से कम आधा मिनट तक इस पोजीशन को होल्ड करके रखें या फिर 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करके रखें, फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर इस तरह से हो जाएं, फिर रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, तो आप जब भी आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, ऑफिस में भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए नहीं, ये देखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। रेगुलरली आप इस एक्सरसाइज को करते रहेंगे और रेगुलरली अगर आप मेज़र करते रहेंगे कि आपका पोस्चर ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे आपको एक फीडबैक भी मिलता रहेगा कि एक्सरसाइजेस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब अगला एक्सरसाइज में मैं आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसमें
आपके कंधे हमारे जो चेस्ट के सामने की तरफ के जो मांसपेशियां हैं उसको स्ट्रेच करना है। तो इसके लिए आप दीवार का कोना में खड़े हो सकते हैं, ये देखिए दीवार का कोना है, या फिर आप दरवाजे के चौखट में भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको दीवार के कोने में ये डेमोंस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैं दीवार के कोने के सामने खड़ा हूँ और फिर मैं अपने फोर आर्म को दोनों दीवारों के में इस तरह से सटा दिया हूँ, और आप नोटिस करेंगे कि मेरा ये एल्बो और जो मेरा कंधा है दोनों ही 90 डिग्री में है, ये इस तरह से नहीं है, ठीक है, इस तरह से है। और फिर मैं इसे अपने चेस्ट को सामने की तरफ इस तरह से ले जाऊंगा, ये देख, ठीक है, आप देख पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। जब भी आप आगे जाएंगे कम से कम 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर आप रिलैक्स हो जाएं, 5 से 10 सेकंड करें फिर रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। इसे 5 से 10 बार करें इस एक्सरसाइज को। चलिए मैं इसको दरवाजे में कैसे करना है वो भी मैं आपको डेमोंस्ट्रेट कर देता हूँ। तो ये है दरवाज़ा का चौखट, जिसमें मैंने अपने चौखट में दोनों हाथों को इस तरह से रख दिया है, और फिर मैं सामने की तरफ इस तरह से बेंड हो रहा हूँ, ये देखिए, अगला जो एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पीठ के आसपास हमारे जो शोल्डर ब्लेड है उसके आसपास के मांसपेशियों को हमें स्ट्रेंथन करना है, और हमें इस तरह से लेट के करना है। तो आप घर में कोई बेड होगा, बेड के किनारे में इस तरह से लेट जाएं, और जिस तरफ का करना है वो हाथ इस तरह से आप झुला देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है उसमें आप हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर इस तरह से उठाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से 10 बार करेंगे, फिर आप सीधा इस तरह से उठाएंगे 1, अभी देखिए मेरा शोल्डर जो है 90 डिग्री में है, 2, 3, 4, ठीक है, इसे भी 10 बार करेंगे। अब सामने की तरफ हम उठाएंगे, हाथ को सामने की तरफ इस तरह से जाएं और फिर सामने की तरफ इस तरह से उठाएंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 10 बार इसे करेंगे। तो इससे क्या है कि हमारे शोल्डर ब्लेड का ये जो है लोअर मसल्स को ये स्ट्रेंथन करेगा, ये मिडल वाला मसल्स को, और ये शोल्डर ब्लेड का अपर वाला मसल्स को, या फिर अपर बैक का अपर वाला मसल्स को ये स्ट्रेंथन करेगा। इसी तरह से आपको दूसरे तरफ भी इसे रिपीट करना है 10-10 बार। अगला जो एक्सरसाइज है वो बहुत आसान है, आपको कुर्सी में बैठ के करना है। मेरे पास एक प्लास्टिक का चेयर है, अगर हो सके तो आप वुडन चेयर, लकड़ी का कुर्सी, या फिर कोई लोहे का कुर्सी में करें, क्योंकि ये अनस्टेबल या फिर पीछे गिरने का चांस है। आप ये ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हैं। सिंपली आपको करना यह है कि आप अपने हाथ को गर्दन के पीछे इस तरह से ले जाएंगे, हेड के पीछे इस तरह से क्लास्प करेंगे, और फिर आप इस तरह से करेंगे, ये देखिए, इससे आपको काफ़ी पीठ में दर्द है उसमें भी काफ़ी आराम मिलेगा आपको। और कोशिश करें कि आपका जो कुर्सी का जो बैक रेस्ट है उसका हाइट ज़्यादा ना हो, अगर मान लीजिए ये इतना ज़्यादा हाइट होता है तो ये नहीं होगा, ये समझिए मेरे पीठ के आसपास के हाइट हो, ये इसका हाइट और थोड़ा सा कम रहता तो और ज़्यादा अच्छा होता। तो इस तरह से आपको करना है, इसे आप 10 बार करें, 1 बार 5 सेकंड तक इस तरह से होल्ड करके रखें, फिर आप रिलैक्स हो जाएं, ठीक है, इस तरह से। ये आपके स्पाइन को सीधा करने में काफ़ी हेल्प करेगा। एक्सरसाइजेस के साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस भी आपको लेना है, जैसे कि सही तरीके से आपको किस तरह से कंप्यूटर पे बैठना है, आपका कंप्यूटर का जो स्क्रीन है वो आई लेवल पर रहना चाहिए, आपको मोबाइल इस तरह से नहीं पकड़ना है, इस तरह से पढ़ना है, आप किताबें पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको झुक, कोशिश करें कि आप झुक करके ना पढ़ें, आप थोड़ा सा सामने की तरफ इस तरफ से रख करके पढ़ें। कंप्यूटर में काम करते वक्त किस तरह से बैठना है, सही तरीका क्या है, सही पोस्चर क्या रहेगा, इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छा वीडियो है जिसे आप जा करके देख सकते हैं। और आप उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और
कैसा लगा वीडियो आप अपना राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स से नीचे में, वहाँ पे कमेंट दे करके। और एक बार फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहली बार अगर आप हमारे चैनल में हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।